अब हम जानेंगे आदर्श गैस समीकरण के बारे में। तो बायल के नियम और चार्ल्स के नियम में जैसा हमने देखा कि यदि दाब स्थिर है तो ताप एवं आयतन का क्या संबंध होगा, और यदि तापमान स्थिर है तो दाब और आयतन का क्या संबंध होगा, इसके बारे में जाना हमने। तो यदि किसी भी गैस के आयतन का दाब पर ताप के साथ परिवर्तन को दर्शाया गया, या फिर हम दोनों नियम को एक साथ संयुक्त करते हैं, तो ये किस तरह से संबंध को दर्शाता है। दोनों नियमों को संयुक्त करने पर आदर्श गैस समीकरण की प्राप्ति होती है। तो दोनों नियमों को जब जोड़ा जाता है तो अलग अलग पहले हम दोनों नियमों को समझेंगे। तो जैसा हमने देखा कि यदि तापमान स्थिर है तो किसी भी गैस के निश्चित मात्रा के द्रव्यमान के लिए उसका आयतन एवं दाब के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। V समानुपाती का चिन्ह है 1/P। तो ये स्थिर तापमान पर है बायल के नियम के अनुसार। यदि हम चार्ल्स का नियम लेते हैं तो स्थिर दाब पर V समानुपाती होता है T के। स्थिर दाब पर चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन होगा वह तापमान के समानुपाती होता है। तो यहाँ यदि हम चार्ल्स के नियम के आधार पर हमने देखा V समानुपाती है T के। यदि दोनों नियमों को कंबाइन करते हैं तो V समानुपाती है T के और व्युत्क्रमानुपाती है P के। तो V समानुपाती T/P इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ यह है कि V समानुपाती है T के चार्ल्स के नियम के अनुसार और V समानुपाती है P के, ये है बायल के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि PV/T, तो यहाँ हम लिख सकते हैं V बराबर KT/P। तो यहाँ PV इस तरह से लिखा जाएगा, तो PV/T=K। तो ये आदर्श गैस समीकरण के रूप में हम इसे दाब ताप आयतन के रूप में एक संबंध देख रहे हैं, जहाँ पे दाब आयतन गुणनफल और तापमान का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक होता है। तो P1V1/T1=P2V2/T2। यदि यहाँ पर हम एवोगाड्रो नियम की तरफ चलते हैं, तो यदि हमने देखा था कि गैसों के निश्चित मात्रा के आयतन के लिए यदि स्थिर दाब स्थिर ताप है तो अणुओं की संख्या भी समान होती है। तो यहाँ स्थिरांक को K समानुपाती होता है N के। K की जगह हम लिख सकते हैं NR, समानुपाती चिन्ह को हटा देंगे तो NR, यहाँ पर व्युत्पत्ति होती है R की। R यहाँ पे सार्वत्रिक गैस स्थिरांक को दर्शाता है। तो यहाँ PV/T=K है, K की जगह हमने लिखा NR, तो अब ये संबंध होगा PV=NRT। यदि N मोल है तो NRT, और यदि N यानी मोलों की संख्या एक ले ली जाएगी तो PV=RT होगा। तो यहाँ पर हम आदर्श गैस समीकरण में देखते हैं कि R एक स्थिरांक प्राप्त हुआ। इस R को कहते हैं सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, जिसका मान अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग प्राप्त होता है, तो इसे भी हम जानेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं कि आदर्श गैस समीकरण एवं घनत्व और अणुभार के मध्य क्या रिलेशन होता है। तो PV बराबर हम देखें NRT, P=, हम लिख सकते हैं NRT/V। यदि यहाँ पर N बराबर लिखा जाएगा, N यानी मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान, m/molar द्रव्यमान, तो ये होगा M। तो N की जगह हम लिख सकते हैं m/m, और जैसा P बराबर हमने देखा था NRT/V, तो वो जैसा है वैसे ही लिखेंगे, केवल N की जगह हम लिख रहे हैं m/m RT/V। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं द्रव्यमान बटा आयतन है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं घनत्व। P बराबर हम लिख सकते हैं m/m RT, ऊपर है और नीचे V है, तो यहाँ हम m/v की जगह लिख सकते हैं घनत्व का मान। तो अब ये वैल्यू क्या प्राप्त होगी, P बराबर हमें प्राप्त हुआ ρRT/m, और हम यदि m ज्ञात करना चाहेंगे तो m बराबर होगा ρRT/p। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि m जो है वो गैस के मोलर द्रव्यमान को दर्शाता है, रो गैस के घनत्व को बता रहा है, और r सार्वत्रिक गैस नियतांक के बारे में कहता है। तो यहाँ पर R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है।
आदर्श गैस समीकरण यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी को अवस्था समीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो समीकरण है वो गैस की अवस्था को दर्शाने वाला जो अलग अलग कारक है, परिवर्तनशील कारक, दाब, आयतन, मोलों की संख्या, तापमान, इन सब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है। तो जब कभी भी हम देखते हैं कि गैस के घनत्व और अणु भार के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं। तो पी का मान हम लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन वी, तो एन की वैल्यू एम अपॉन एम, तो इस तरह से हम एन की वैल्यू रख कर और पी बराबर हम कर सकते हैं एम अपॉन एम आर टी अपॉन वी, और कैपिटल एम बराबर हम लिख सकते हैं रो आर टी अपॉन पी। तो ऐसे हम अलग अलग संबंध घनत्व और तापमान के मध्य, घनत्व अणुभार के मध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सार्वत्रिक गैस नियतांक जो है उसकी वैल्यूज़ अलग अलग जो यूनिट्स में है, तो कुछ यूनिट को हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो जब कभी भी हम R का मान ज्ञात करेंगे तो R के मान को ज्ञात करने के लिए R का मान हो सकता है, जैसा हमने देखा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो R की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो पी वी अपॉन एन टी, ऐसे मान को रखकर अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग आयतन, अलग अलग तरह से हम कंडीशंस लेते हुए अलग अलग R के मान को अलग अलग यूनिट्स में हम ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक गैस नियतांक R, आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर एन आर टी। यहाँ पर R की प्रकृति एवं मान का निर्धारण हम कर सकते हैं, जैसे यदि R का मान निकालना है तो पी वी बटा एन टी बराबर, हम यहाँ पर P दाब के लिए, V आयतन के लिए, N मोल के लिए और T टेम्परेचर तापक्रम के लिए लेते हैं। तापक्रम यहाँ पर केल्विन में लिया गया है। दाब बराबर है बल बटा क्षेत्रफल, आयतन बराबर लंबाई का घन और क्षेत्रफल बराबर लंबाई का वर्ग। तो जब R के जगह पर R बराबर हम लिखते हैं बल बटा क्षेत्रफल गुणा आयतन बटा मोल गुणा तापक्रम, बल बटा लंबाई का स्क्वायर होगा और आयतन की जगह लिखेंगे लंबाई का घन और नीचे लिखेंगे मोल गुणा तापक्रम। तो बल गुणा लंबाई बटा मोल गुणा तापक्रम, तो बल गुणा लंबाई को हम लिख सकते हैं कार्य बटा मोल गुणा तापक्रम। R गैस की प्रति डिग्री प्रति मोल कार्य को निरूपित करता है। R की विमाएं कार्य तापक्रम और मोल की विमाओं पर आश्रित हैं। R की इकाई ऊर्जा प्रति मोल प्रति केल्विन है। तो PV is equal to nRT के द्वारा हम R की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो यदि मान लीजिए पहला कंडीशन हम लेते हैं लीटर वायुमंडल में, तो प्रेशर यहाँ पर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आयतन 22.4 लीटर, तापमान 273 केल्विन। तो R का मान हम रखेंगे पी वी अपॉन एन टी, पी यहाँ पर है एक वायुमंडलीय दाब, आयतन है 22.4, मोलों की संख्या यहाँ पर एक मोल ली गई है, प्रति मोल के रूप में से व्यक्त करेंगे तो एक मोल, और टेम्परेचर 273। कैलकुलेट करने पर लीटर वायुमंडल में जो मान R का प्राप्त होता है वह है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं टेम्परेचर नीचे है, मोलों की संख्या भी नीचे है। दूसरा जो कंडीशन है वह अलग कंडीशन हम देखेंगे कि यदि दाब वायुमंडली दाब लिया गया है और यहाँ पर जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब के रूप में लिया जा रहा है, तो आयतन जो है वो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब के रूप में होगा और यहाँ जो आयतन है वायुमंडली आयतन वायुमंडली दाब के रूप में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू 22,400 अपॉन 1 मोल इंटू 273। तो जैसा हमने R की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सूत्र प्रयोग किया था पी वी अपॉन एन टी, तो इसी आधार पर हम मानों को रखते जाएंगे। तो जो वैल्यू प्राप्त हुई 82.1 सेंटीमीटर क्यूब एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। अगला कंडीशन हम देखेंगे कि यदि दाब को बार में लिया जाए और आयतन को डेसीमीटर क्यूब में लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो मान है वो अलग प्राप्त होगा R के लिए। यहाँ पर मान जब हम लिखते हैं R बराबर पी वी अपॉन एन टी, तो यदि प्रेशर 1 बार लिया गया है तो जो आयतन का मान है वो 22.4 लीटर, मोलों की संख्या 1 है और
तापमान है 273 केल्विन। तो जो मान प्राप्त हुआ आर का 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर का मान तीन अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग प्राप्त होता है। इसी तरह से कैलोरी के लिए जब आर का मान ज्ञात करते हैं तो वो 2 कैलोरी के रूप में प्राप्त होती है, लगभग 1.99 मान प्राप्त होता है आर का। आर का मान अर्ग में एवं आर का मान जूल में और आर का मान कैलोरी में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं ये हम जानेंगे। आर यहाँ पर पीवी बराबर एनआरटी में जो आर है वो गैस स्थिरांक को दर्शाता है। यदि आर बराबर हम लेते हैं आदर्श गैस समीकरण से अगर आर को लेते हैं तो आर बराबर पीवी बटा एनटी होगा। पी यानी दाब को हम लिख सकते हैं 1 × 13.6 × 981 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, आयतन 22,400 मिलीलीटर, एन मोलों की संख्या 1 मोल ली जा रही है और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो आर का मान होगा यहाँ पर 1 × 13.6 × 981 × 22,400 / 1 × 273। तो इस तरह से आर का मान हमें प्राप्त होता है 8.314 × 10⁻⁷ अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल। तो यहाँ जो आर का मान है वो हमें CGS पद्धति में प्राप्त होती है। यदि आर का मान SI पद्धति में यानी जूल में हमें प्राप्त करना है तो 10⁻⁷ अर्ग बराबर 1 जूल होता है। तो 8.314 × 10⁻⁷ अर्ग बराबर होगा 8.314 × 7 / 10⁻⁷। तो यहाँ जब 10⁻⁷ कैंसिल कर देंगे तो प्राप्त होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। यदि आर का मान कैलोरी में प्राप्त करेंगे तो 4.183 × 10⁷ अर्ग बराबर होता है 1 कैलोरी। यहाँ हम आर का मान लिखते हैं तो आर बराबर है 8.314 × 10⁷ / 4.183 × 10⁷। तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है 1.99 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल। इसे हम लगभग 2 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल कह सकते हैं। अब हम डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के बारे में जानेंगे। इसके लिए उनके द्वारा किए गए एक छोटे से प्रयोग को पहले हम समझेंगे। उन्होंने ये देखा कि यदि तीन अलग अलग पात्र लिया जाए और समान टेम्परेचर पर उसे रखा जाए तो यहाँ आयतन भी समान होगा और प्रत्येक पात्र में गैस के दाब को नापने के लिए उन्होंने मैनोमीटर लगाया दाब के मापन के लिए अलग अलग पात्र में। तो जब पहले पात्र में उन्होंने नाइट्रोजन गैस को पंप कराया और दूसरे पात्र में ऑक्सीजन गैस को पंप कराया, यहाँ पर दोनों अलग अलग पात्र में दाब भी अलग अलग होगा। पहले गैस के लिए हम देख रहे हैं P1 होगा और दूसरे पात्र में ऑक्सीजन गैस लिया गया तो मैनोमीटर के द्वारा प्राप्त जो दाब होगा ऑक्सीजन के लिए वो P2 होगा। अब इन दोनों गैसों को एक तीसरे पात्र में पंप कराया गया तो जब तीसरे पात्र में इसे पंप कराया गया तो वहाँ जो प्रेक्षित दाब है कैपिटल P वह दोनों के अर्थात पहले पात्र में P1 और दूसरे पात्र में जो P2 आंशिक दाब प्राप्त हुआ उसका ही योग प्राप्त हुआ। तो ये देखा गया कि जो तीसरा पात्र है जहाँ पे दोनों गैसों को पंप कराया गया है तो दोनों गैसों का जो अलग अलग आंशिक दाब है P1 और P2 ये दोनों गैसों का जो आंशिक दाब का ही योग है कैपिटल P। तो ये स्वतंत्रता पूर्वक कुल दाब में अपना योगदान कर रहे हैं अर्थात प्रत्येक गैस का अपना जो एक आंशिक दाब है दोनों तीनों गैसों को यदि इससे ज़्यादा भी गैस को मिलाया जाए और सभी गैसों का आंशिक दाब का ही कुल योग होता है कुल दाब के रूप में। तो कुल दाब बराबर हम लिख सकते हैं P1 + P2। तो डाल्टन के आंशिक दाब को जब हम देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक गैसें, इसके लिए ये शर्त होना चाहिए कि 2 या 2 से जो अधिक गैसें हम ले रहे हैं उनके मध्य किसी भी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया न हो रही हो तभी वह इस नियम को पालन करेंगे। तो
डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार दो या दो से अधिक गैसें जो आपस में रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करती हैं, तो यहाँ पर निश्चित तापमान पर उसे एक पात्र में बंद कर दिया जाए तो संयुक्त जो दाब होगा वह आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है जो प्रत्येक गैस को निश्चित तापमान पर उसी पात्र में रखने पर उत्पन्न हो रही है। जैसा हमने तीनों के लिए देखा, तीन अलग अलग पात्र लिया गया था, P1 पहले पात्र का दाब, दूसरे पात्र का दाब P2, और कंबाइन रूप से यदि हम कुल दाब देखते हैं तो वो P प्राप्त हुआ। तो ये जो P का मान है वो P1 और P2 के योग के बराबर होता है। तो यही डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है जिसमें कुल दाब दो या दो से अधिक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है और प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योगदान उस कुल दाब में होता ही है। अब हम डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से संबंधित जो गणितीय स्वरूप है उसे समझेंगे। यदि दो अलग अलग गैस लिया जाए ए एवं बी, तो ए एवं बी अलग अलग गैस है तो उसके लिए जो दो गैस लिया जाएगा ए एवं बी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयतन वी है और यदि अलग अलग गैस ले रहे हैं तो दाब P1 और P2 होगा, और यहाँ पर दाब जो P1 और P2 प्राप्त हुआ है तापमान T है, और ए और बी के लिए जो अणुओं की संख्या है वो होगी N1 और N2। तो यदि आदर्श गैस समीकरण होता है PV=nRT, यदि हम ए गैस के लिए लेंगे तो P1V=N1RT, दूसरे गैस बी गैस के लिए होगा P2V=N2RT। कुल यदि हम दाब को देखते हैं, कुल मिश्रण को यदि हम लेंगे तो P1+P2V=N1+N2RT, अर्थात इन दोनों मानों को यदि दोनों गैस के लिए जो अलग अलग आदर्श गैस समीकरण के रूप में हमने देखा इसे हमने कंबाइन कर दिया तो यह मान प्राप्त हुआ। और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार P बराबर होता है P1+P2 के, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ P1+P2 है वहाँ हम लिख सकते हैं कैपिटल P, तो PV=N1+N2RT। तो ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ तीसरा। और पहले और दूसरे समीकरण को हम देख रहे हैं ए गैस के लिए और बी गैस के लिए, तो यहाँ पर हम ए गैस के लिए जो समीकरण देखते हैं पहला समीकरण, तो पहले समीकरण में तीसरे समीकरण का भाग देते हैं तो P1V/PV=N1RT/N1+N2RT, तो जो भी चीज़ें कॉमन है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, RT इधर से V कैंसिल हो गया, तो P1/P=N1/N1+N2 ये प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि N1/N1+N2 जो है यह मोल प्रभाज को दर्शाता है, ए गैस के लिए मोल प्रभाज को दर्शाता है। मोल प्रभाज अर्थात उस गैस में उस एक पर्टिकुलर गैस के मोलों की संख्या एवं उस गैस में और दूसरे जो गैसेस हैं यानी कुल मोलों की संख्या, सभी गैसों के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है उसे हम मोल प्रभाज कहते हैं। तो जब यही मोल प्रभाज बी गैस के लिए निकाला जाएगा तो N2/N1+N2 होगा। तो इस संबंध को हम बी गैस के लिए भी समझ सकते हैं और ए गैस के लिए भी समझ सकते हैं। तो यहाँ हम ए गैस के लिए देख रहे हैं तो P1/P=N1/N1+N2 प्राप्त हुआ। तो जब P1 प्राप्त करेंगे यानी ए गैस के लिए आंशिक दाब, वह बराबर होगा N1/N1+N2 × P के, और यही अगर हम B के लिए प्राप्त करेंगे तो P2 बराबर होगा N2/N1+N2 × P के। तो P2 बराबर है N2/N1+N2 × P के। सूत्र को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि B का जो आंशिक दाब होगा वह गैस के मोल प्रभाज एवं कुल दाब के गुणनफल के बराबर होगा। और यदि हम गैस के आंशिक दाब को व्यक्त करना चाहें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा कि गैस का आंशिक दाब बराबर गैस के मोलों की संख्या यानी उस गैस के लिए मोलों की संख्या बटे में लिखेंगे गैस के मिश्रण में कुल मोलों की संख्या जिसे हम N1+N2 के रूप में दर्शा रहे हैं इंटू यहाँ पर कुल दाब को दर्शा रहे हैं जो कैपिटल P के रूप में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A और B के लिए अलग अलग हम आंशिक दाब को व्यक्त कर सकते हैं। जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है
वह ऐसे गैसों के लिए ही एप्लीकेबल है जो आपस में क्रिया नहीं करते हैं, जैसे यदि अमोनिया और HCl गैस को लिया जाएगा और इसके मध्य अगर डाल्टन के आंशिक दाब का अध्ययन किया जाएगा तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अमोनिया और HCl को यदि एक साथ रखा जाएगा तो वो आपस में क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो इस तरह से ऐसी गैसें ही होनी चाहिए।